हेलो गाइस, तो आज हम लोग लगा रहे हैं शोल्डर्स। ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ आए कि हम ये वर्कआउट में हमने क्या क्या किया है। सो जो पहली एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी डंबल प्रेस, और यहाँ मेक श्योर कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन कर रहे हैं, पार्शल्स नहीं लेने हैं। 5 सेट्स 12 to 8 रेप रेंज रहेगी। उसके बाद हम लोग लगाएंगे लेटरल राइजेस, डंबल लेटरल राइजेस। इसके अंदर हम लोग ड्रॉप सेट्स लेंगे 4 सेट्स, और हर सेट में हमको 70% से ड्रॉप करना है, और रैप रेंज 15 to 8। इसके बाद हम लोग लगा रहे हैं फेस पुल्स विथ रोप। अब यहाँ पे बेसिकली आपके रियर डेल्ट्स और आपके ट्रैप्स टारगेट हो रहे हैं, और यहाँ हम लोग लगा रहे हैं अगेन 4 सेट्स, और रैप रेंज इसमें रहेगी एनीवेयर बिटवीन 20 to 8। देन वी आर डूइंग सम रियर फ्लाइज विथ डम्बल। आपके वहाँ पे अगर मशीन अवेलेबल है तो आप रियर फ्लाई विथ मशीन भी कर सकते हैं। डम्बल्स मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं। अगेन 4 सेट्स। उसके बाद हम लोग लगा रहे हैं फ्रंट रेजेस। फ्रंट रेजेस के अंदर मेक श्योर कि आप सिंगल डम्बल यूज़ ना लें, दोनों डम्बल यूज़ लेंगे, और वेट हमारा मॉडरेट टू हैवी रहेगा। अगेन 4 सेट्स 15 to 12 रेप। देन विल बी डूइंग सम श्रग्स फ्रॉम टू बैक, एंड आप इसके भी 5 सेट्स लगाएंगे यहाँ पे, और रैप रेंज रहेगी एनीवेयर बिटवीन 15 to 12। अब बेसिकली यहाँ हम वॉल्यूम पे फोकस कर रहे हैं। वी नीड अ हाई वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमने जो रेस्ट बिटवीन द सेट्स हैं वो बहुत कम लिया है, 15 to 20 सेकेंड्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हैवी वेट्स पे नहीं जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने वर्कआउट को एनीवेयर बिटवीन 45 मिनट्स टू 1 आवर में ख़त्म कर रहे हैं, विथ प्रॉपर स्ट्रेचिंग, 10 मिनट्स ऑफ वार्म अप इन द स्टार्ट, एंड एंडिंग अप विथ अ लाइट कूल डाउन 5 to 10 मिनट्स ट्रेडमिल वॉक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम @Akshat_Xesthetix फॉर मोर वर्कआउट रिलेटेड एंड डाइट रिलेटेड टिप्स।